लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ विरोधियों के वार तेज हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता बगावती सुर भी बुलंद कर रहे हैं। मोदी सरकार की मुखालफत करने वालों में सबसे पहला नाम बिहार से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का है, जो अक्सर किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर रहते हैं। आज भी उन्होंने पीएम मोदी पर नया प्रहार किया। चुनाव के वक्त जब बीजेपी को अपनों के साथ की जरूरत है तो अपने ही बेगाने बनने को तैयार हो गए हैं। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के विरोधी सुर तो यही बयां करते हैं कि वो चुनाव में विपक्षियों को नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी को पटकनी देने के लिए मैदान में उतरेंगे। आज भी उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसके बाद उनके दल बदल की अटकलें तेज हो गई हैं। बिहार के पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सवर्ण आरक्षण बिल को लेकर ट्वीट कर इशारों इशारों में पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, बधाई हो सर, आपकी वंशा की काफी सराहना किए जाने की जरूरत है और इस बात से पूरा विपक्ष भी सहमत होगा, भले ही कुछ संशयों के साथ। यह मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंच चुका है, उम्मीद और प्रार्थना की जानी चाहिए कि यह विभिन्न विधानसभा और न्यायिक जांच से निकल जाएगा, लेकिन यह आपकी चुनावी वंशा को साफ जाहिर करता है। सिन्हा के वार यही नहीं खत्म हुए, उन्होंने पीएम मोदी को जुमलेबाज तक करार दे दिया। उन्होंने लिखा, निश्चित रूप से आपको मन की बात में बादशाहत हासिल है, लेकिन हमें दिल की बात नहीं भूलनी चाहिए, बंद करें हैं जुमलेबाजी। पूरा विपक्ष सवर्ण आरक्षण बिल को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस से लेकर तमाम दल सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव के समय ही ये बिल क्यों लाया गया, क्या पहले सरकार इस पर मंथन नहीं कर सकती थी। वहीं सिन्हा का बिल पर विपक्ष के सुर में सुर मिलाना इशारा कर रहा है कि वो अपनी सरकार की तरफ नहीं बल्कि विरोधियों के साथ है। अब चुनाव के समय देखना होगा कि वो किस दल के साथ जाते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।